करण कुंद्रा की न्यू कार हुई चोरी, चोर पर फूटा करण का गुस्सा। जी हाँ, टीवी के जाने माने एक्टर करण कुंद्रा ने हाल ही में एक कार खरीदी थी जिसके बैक टू बैक कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर करण ने शेयर की और वो फैंस को काफी ज्यादा पसंद भी आया। लेकिन हाल ही में उन्होंने ये बताया कि किस तरह उनके साथ हुआ है एक हादसा, हो गई है उनकी कार चोरी। जी हाँ, दरअसल इस समय वो छुट्टियों पर थे और उसी कार से घूम फिर रहे थे, लेकिन अचानक से उनकी कार चोरी हो गई। पहले तो यूजर्स को ऐसा लगा कि करण ये पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, लेकिन अब एक्टर ने एक वीडियो शेयर करते हुए सबको ये साफ कर दिया है कि किस तरह उनकी कार सच में चोरी हो गई है। बता दें, इस वीडियो में करण ने कहा कि जिसने भी ऐसा किया है ये मजाक नहीं है और ना ही ये सही है। साथ ही उन्होंने चोर पर गुस्सा भी दिखाया। बता दें, करण कुंद्रा अपने इंस्टा पर एक वीडियो स्टोरी पर लगाई है। इसमें करण ने कहा कि दोस्तों, जिसने भी ये मजाक किया है ना, ये मजाक नहीं है। फ्रेंकली बोलूं तो ये मेरी नई कार थी, मतलब जो भी है पुरानी कार है, और ये मजाक नहीं है। ये कोई टाइम नहीं है प्रैंक करने का, मैंने तो ठीक से चलाई भी नहीं थी। और अभी परवेज आया और बोला, भाई कार गायब है, उसमें कोई सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं है और कोई ट्रैकिंग भी नहीं है, कैमरास भी नहीं है, लेकिन मेरा कार कहाँ है, प्लीज यार ये मत करो। वेल, करण के इस वीडियो पर फैंस तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं और वो कितने ज्यादा परेशान है करण के लिए ये भी जाहिर कर रहे हैं। वेल, इस पर आपका क्या रिएक्शन है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।